अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मैं अपनी अम्मा के चैनल पे हाज़िर हो गई हूँ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी तो बहुत ही सिंपल होती है, जैसे हमेशा मैं आती हूँ तो मैं बड़ी सिंपल सी रेसिपीज को फॉलो करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे पॉपकॉर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये पॉपकॉर्न ले लिए हैं, जो कि ये जी मिल जाएंगे आपको किराना वाले स्टोर से। और यहाँ पे मैं जो देगची यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी मोटी वाली है, ये जस्ट या एलुमिनियम की जैसे कहते हैं वैसी है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि ना इसमें जलता नहीं है पॉपकॉर्न, तो अभी मैं ये दोनों यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने अभी इसको गर्म करने को रख दिया है। अभी इसको बनाने की ना मतलब अक्सर लोग बनाते हैं उनके जल जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ ट्रिक के ये जलें कैसे ना और ये सॉफ्ट कैसे बनेंगे। पहले तो जी मैंने ये पॉपकॉर्न ले लिया, कर्नल्स सारे पॉपकॉर्न के मैंने 2-3 मुठियाँ ये अच्छी तरह से डाल दी। देखती हूँ मैं अब मैं इसमें ऐड करूँगी सरसों या जो भी ऑयल आपके पास हो वो मैं इसमें डालूँगी। मेरे पास टीस्पून था तो मैंने 4 टीस्पून ये डाला है, और मैंने 1 टीस्पून इसमें घी भी ऐड किया। अब घी ऑप्शनल है लेकिन मुझे उससे ना बहुत अच्छी एक स्मेल आती है और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, तो इस वजह से मैं रेकमेंड करूँगी कि आप घी भी यूज़ करें, बट ये ऑप्शनल है। अभी हम इसको हल्के हल्के से ना ऐसे भूनेंगे, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे इसको हल्के हल्के से भूनेंगे। इसमें मेरे ख्याल से पॉपकॉर्न थोड़ी कम है तो मैं थोड़े और डाल दूँगी इसमें, और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी अच्छी तरह से। देखें अभी ऑरेंज थे, अभी इनका कलर थोड़ा सा ना भुन भुन के चेंज होना शुरू हुआ है, और ये हल्के हल्के भी हो जाते हैं इसी तरह से। तो ये ना मतलब होती है इनकी कि आपको पता लग जाएगा कि अभी ये बस पॉप होने वाले हैं। अभी आप इसको थोड़ी देर और भूनेंगे ना तो देखेंगे पॉप होना शुरू हो गए। अब देखें ये पॉप होना शुरू हो गए, तो अब मतलब देखें ये पॉप हो रहे हैं, तो अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे, जो कि मेरे पास प्लेट रखी हुई थी, मैं वही इससे ढक के आराम से इसको ना पकने दूँगी। अब देखें ये पॉप पॉप की आवाज़ आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो ये जब तक चलते रहेंगे जब तक पटपट की आवाज़ आएगी तब तक मतलब आपके पॉपकॉर्न पक रहे हैं। लेकिन जैसे ही पटपट की आवाज़ ख़त्म हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ़ करके इसको हिला देना है। देखें मेरे सारे पॉपकॉर्न तैयार हैं, तो अभी मैं इसको एक बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, हाँ जी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक मसाले वाले एक ब्रांड है उनका मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ, चीज़ वाला। ये सीजनिंग आपको दराज से मिल जाएगी, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। वैसे आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं, जिन जिन लोगों को मतलब सादे पॉपकॉर्न पसंद तो बस वो ये भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें सारे पॉपकॉर्न मिक्स कर दिए, और मैंने अभी इसमें मज़ीद सीजनिंग डाली और इसको अच्छे से मिक्स किया। ये देखिए मैं पैकेट भी दिखा रही हूँ, ये आप मसाले वाला सर्च करेंगे। अच्छा ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब मुझे ये ब्रांड की ये सीजनिंग बहुत पसंद थी तो मैं ये भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ, मैंने एक बड़े से प्लेटर में सारे पॉपकॉर्न निकाल लिए हैं, और मेरे पास मेरा ये सिपी कप है, और अब हम डंकी मूवी देख रहे हैं साथ में घर में, तो ये हमारी भाई मूवी नाइट। तो आप भी हमें बिल्कुल ज़रूर बताइएगा कि आपको पॉपकॉर्न हमारे, अगर आप ट्राई करें तो हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगेगा हमारी रेसिपी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।